हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे चंदन स्टडी 24 पे। आज का जो मेरा वीडियो वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। जो आज हम मैं बताऊंगा पहले फ़ारसी इतिहास लेखन की विशेषताएं, दिल्ली सल्तनत फारसी इतिहास लेखन को इतना क्यों महत्वपूर्ण माना गया था, और उस पर दिल्ली सल्तनत जितने भी इतिहासकार आए वो फारसी भाषा में क्यों इतिहास लिखते थे, उनके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। और फिर उसके बाद में कई जो इतिहासकार दिल्ली सल्तनत उनके बारे में धीरे धीरे मैं अब तक वीडियो पहुंचाऊंगा। तो आज हम शुरू करेंगे फारसी इतिहास लेखन की विशेषताएं। जो फारसी इतिहास लेखन था वो जैसे जैसे तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का उसका विकास होता गया, साथ ही साथ फारसी शब्द का ही प्रयोग होने लगा था। इस काल में सुल्तानों के द्वारा फारसी भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। जो दिल्ली सल्तनत का काल था उस समय राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था फारसी भाषा को, और तुर्क शासक जैसे मुहम्मद गौरी गजनवी जो थे शासकों द्वारा फारसी भाषा को काफ़ी संरक्षण दिया गया था, काफ़ी महत्व दिया गया था फारसी भाषा को, उसके बारे में बुक लिखने के लिए। तो इस काल में पुस्तक और इतिहास की रचना फारसी भाषा में होने लगा था। इस काल में जो दिल्ली सल्तनत का काल था उस काल में पुस्तक और इतिहास की रचना फारसी भाषा में ही होने लगा था। मुग़ल काल में फारसी ग्रंथों की रचना की गई थी, जो मुग़ल काल था उसमें फारसी ग्रंथों की रचना की गई थी और इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया गया था को इतिहास लिखने के लिए, मतलब कि उनको आगरा जो सुल्तान जो थे जो राजा वंश थे उन लोगों का इति था कि वो लोग इतिहास लिख सकते हैं। सल्तनत काल में ज़्यादातर इतिहासकार दरबारी इतिहासकार थे। जो सल्तनत काल में जो इतिहासकार होते थे वो दरबारी इतिहासकार होते थे। इन इतिहासकार को सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था इतिहास लिखने के लिए। ये फारसी दरबारी इतिहासकार सुल्तानों के आदेश पर इतिहास या पुस्तक की रचना करते थे, क्योंकि इसलिए उन्होंने सुल्तानों के आदेश पर उन्होंने पुस्तक की रचना की, क्योंकि वो राज सुल्तानों के दरबार में रहते थे जिससे वो अपना पुस्तक अच्छे से लिख पाते थे। इसलिए उन्होंने राजा के अधीन नहीं जाते थे, राजा के बातों को मानते थे, उनकी आज्ञाओं को मानते थे, और राजाओं का जो बोलते थे उनका आज्ञा का पालन करते थे, उस टाइप से इतिहास लिखते थे। फिर भी दिल्ली सल्तनत इतिहासकारों ने बहुत से हमें ऐतिहासिक जानकारी दिए हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, आक्रमण के बारे में, उच्च वर्गों के बारे में, इन सब चीज़ आदि के बारे में जानकारी दिए हैं। इन्होंने साम्राज्य में होने वाले घटनाओं एवं तिथिक्रम के रूप में इतिहास की रचना की है। कुछ इतिहासकार ही तिथिक्रम के रूप में इतिहास की रचना किए हैं और कुछ ने कर्मों के अनुसार तिथिक्रम को नहीं जोड़ा हुआ है। और इस दरबार में इतिहासकार जो है रचित इतिहास राजनीतिक इतिहास होती थी, क्योंकि वो पॉलिटी इतिहास लिखते थे राजाओं के बारे में, क्योंकि राजा नकारात्मक इतिहास तो राजा के बारे में लिख नहीं सकते थे क्योंकि वो राजा के दरबार में रहते थे। इसी कारण तो उन्होंने राजनीतिक इतिहास पर अधिक बल देते थे, उच्च वर्गों पर अधिक बल देते थे इतिहास लिखने में। और ये जो इतिहासकार जो थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने अतीत की घटनाओं को वर्तमान से जोड़ने पे जोर नहीं दिया था। उन्होंने बस जो घटना हुई थी राज दरबार में रह के जो इतिहास लिखते थे राजनीतिक पे या ऊंच वर्गों पे, उन सब चीज़ के बारे में बताते थे। और उसके बाद में हम फारसी की ऐतिहासिक रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे कि फारसी इतिहास रचनाएं में दिल्ली सल्तनत में कई इतिहासकार हुए जो फारसी इतिहास में रचना करते थे। जो सल्तनत काल में बहुत से फारसी इतिहासकार हुए जिन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक रचनाएं किए, जिनमें शासकों के बारे में उन्होंने शासनकाल और विभिन्न प्रकार के घटनाओं का वर्णन किया है। ये दरबारी अपने शासकों के बारे में रचनाओं में वर्गित किया है। भारतीय फारसी इतिवृत्ति लेखन में ना प्रमुख इतिहासकार हुए जिसने अलग अलग रचनाएं किए हैं जिनमें दिल्ली सल्तनत के बारे में वर्णित है। इन सभी इतिहासकारों का स्रोत के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण थे। सल्तनत कालीन में इतिहास को जानने के लिए प्रमुख इतिहासकार हुए
रचनाएं किए हैं। तो सबसे पहले हम मिन्हाजुस्सिराज के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो हम जियाउद्दीन बरनी के बारे में वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये जो इतिहासकार लोग हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ना ही अच्छा रहेगा। तो मिन्हाजुस्सिराज के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।